पूजा वाला चश्मा भी लेके चलना है? हाँ ले लो, कहीं काम आ सकते हैं। 50 रुपये पर डे के हिसाब से। चल हट, बकवास कर रहा है। तो हमारी पैकिंग शुरू हो गई है और मेरे को ना कल लौट कर शाम को बुखार भी आ गया, तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, अभी भी दवा लेनी है। और बुखार के बाद भी दवाएं रख ली मैंने, बुखार हेलो दवाएं लेकर साथ जा रही हूँ। कल मैंने खाया है तो गले में काफ़ी दर्द था, हाथ पैर टूट रहे थे बुखार होने के बाद, थोड़ा आराम हुआ है तो सामान पैक करने शुरू कर दिए। खाना भी मैंने बहुत सारा बना के रखा हुआ है तो कुछ बना के रखे जा रही हूँ और कुछ खा के जाना है। लेकर मैं नहीं जाऊँगी कुछ भी साथ में खाने का, सिर्फ खा खा कर जाऊँगी। और अभी दिखाती हूँ, एक बैग लग चुका है बड़ा वाला और एक छोटा लगना है। तो ये अभी फ़िलहाल एक छोटा बैग लगा है, ये वाला पिट्टू बैग, ये छोटा वाला सूटकेस खोला पड़ा है अभी। इसमें छाते से लेकर कुछ चार्जर और सेल्फी ये सब रख रहे हैं अभी। और पहनने के कपड़े मेरे ये रहे अभी, जो पहन कर जाऊँगी इधर डाल दिए हैं मैंने। और ये वाला मेरा बड़ा वाला लग चुका है, ये फुल पैक हो चुका है अच्छी तरीके से, बिल्कुल इसमें गुंजाइश नहीं है अब सामान रखने की। तो छोटा वाला भरा जा रहा है और इसके अलावा शायद दो मैक्सिमम छोटे बैग और हो सकते हैं जो हो जाएंगे। आज के कपड़े जो निकले उसके लिए वॉशिंग मशीन भी लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि फिर ये वापसी में मेरे लिए पड़े रह जाते गंदे कपड़े, तो मैंने साथ के साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी। तो मैं बनाते हुए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने बनाकर ही आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाकर रख दिया है, क्योंकि कबीर को कुछ भी बनाना नहीं आता है। तो ये है दाल और बना लेते हैं, पर उनको ठंड में बाकी काम भी करने होते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बना के जा रही हूँ। और ये है मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी, देखकर तो मन कर रहा है अभी ही खा लूँ पर खा नहीं सकती, मैं एक बार खा चुकी हूँ। और ये है दाल जो मैंने दिखाई दी आपको, धनिया वगैरह उनको डालना होगा तो डाल देंगे। और ये है चावल, तो मैंने चावल भी बिल्कुल गर्म अभी रखा हुआ है। और चावल के नीचे इस वाले बर्तन में मैंने रख दिए हैं कुछ पराठे बनाकर, ये पराठे बनाकर रखे हैं मैंने। तो रखे इसलिए हैं क्योंकि ठंड में ख़राब तो वैसे भी नहीं होगा, ठंड काफ़ी है तो ये चल जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है यहाँ पर। चाय का बर्तन जो है ये रख दिया मैंने खाली करके, धोकर पूरा, चाय ज़्यादा पीते हैं तो चाय बना लेंगे, दूध वगैरह। और इधर मैंने पूरा गैस वगैरह को साफ़ कर दिया है, ये पूरा बर्तन वगैरह सिंक ये सारा कुछ सब धो दिया है मैंने, सब कुछ पोंछ दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, छोटे छोटे सामान रखने हैं, बाकी मैंने दिखा दिया आपको कि बड़ा वाला मैंने पैक कर लिया था बैग। और ये थोड़े से अमरूद रख दिए हैं, अगर चाहेंगे तो इसे काट सकते हैं। ये मैंने डाल लिया है अपना ईयरफोन, और ये एक मेरा कोट है जिसे मैंने पहना है ब्राउन कलर का, और नीचे ब्लैक पैंट है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और बस 10 से 15 मिनट में हम सारे लॉक वगैरह करके निकलते हैं यहाँ से अपने ट्रिप पर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है नज़ारा। तो वापस ताले डालने का टाइम आ गया है, हम लोग ताले लगा कर अब निकल रहे हैं घर से, और बस का टाइम 10:30 बजे का है। तो गाड़ी यहाँ शुरू हो रही है बस, और बाहर का ताला रह गया तीन गेट का, उसे डालना है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हम लोग निकल चुके हैं और अभी हो रहा है ये करीब, हम लोग 9:30 बजे निकल चुके हैं घर से और 10:30 बजे का बस का हमारा डिपार्चर टाइम है। तो कोई कोई इक्का दुक्का ही इस वक्त पर दिख रहा है बाहर में। और ये है ISBT यहाँ का, तो ISBT पर किधर जाना है अभी हमको ये भी पता नहीं कि बस हमारी किधर लगेगी। बस भी हमारी समय से पहले आ चुकी थी, ये हरिद्वार से चलती है और टाइम से काफ़ी पहले आ चुकी थी। तो यही है हमारी बस जिससे हम जाने वाले हैं, तो मैंने एक दो इसके आगे फ़ोटो भी अपने लिए। और ये है पूरा रात का ISBT हमारा देहरादून का। नहीं नहीं वो उधर गए वॉशरूम देखने में।
बस की यात्रा काफ़ी समय के बाद हो रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो भी वॉल्वो बस, इसमें तो सभी को अच्छा लगता है ना जाना, अगर चांस मिल जाए तो। खैर ये मेरे बेटे ने यात्रा कराई है, और वो भी नए साल पर हम लोग जा रहे हैं शिमला। शिमला में नए साल पर कहते हैं कि बर्फ़ ज़रूर गिरती है, और अगर बर्फ़ नहीं भी मिली तो जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है वो बड़ा स्पेशल होता है वहाँ पर। तो मैं बस यही बस में चढ़ रही थी, उतर रही थी, और साइड में सामान दे दिया था इस टाइम पर हमने कंडक्टर को नीचे रखने के लिए। इसमें सारे आपके जो सामान होते हैं ना वो नीचे रखे जाते हैं। अब मैं बस में आ गई थी और बाहर कबीर खड़े हुए थे, तो इसका बहुत बड़ा ग्लास था, इसमें वीडियो बनाना अच्छा लग रहा था। और इस तरह ये मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है, इसमें ये फॉरेनर भी कोई जाते हैं, काफ़ी लोग चलते हैं इंडिया के अंदर ही ये लोग घूमते हैं, मतलब यहाँ से चले तो चंडीगढ़ निकल जाएंगे इस तरह से। तो इन्होंने काफ़ी देर जानकारी ली चलने से, गाड़ी में बैठने से पहले। तो मुझे लगता है अगर कोई फॉरेनर होता हमारे इंडिया में, बस में सफ़र कर रहा है या किसी से जानकारी लेता है, तो मतलब बता देना चाहिए, सही सही उसे जानकारी पूरा देना चाहिए कि बस कहाँ जा रही है, कहाँ तक आप जा सकते हो। तो मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती, पर मेरे साथ बेटा है तो उसको समझ लेता है, वो सब कुछ बता देता है। तो मैंने इसका भी क्लिप बना लिया कि मतलब अगर आपको कोई ऐसा बाहरी विदेशी मिलता है तो आप जो मदद कर सकते हैं वो सफ़र के लिए ज़रूर बताएं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, ताकि उनको भटकना ना पड़े। तो ये है हमारे सामने वाली रोड है, ये बस जब निकली थी तो हमारी कॉलोनी के बाहर से निकली थी, और आगे चलकर बहुत कोहरा होना शुरू हो गया था, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा। सवारियाँ तो सो ही रही थी, पर मैं उस वक्त जाग रही थी, तो मुझे वीडियो भी बनाना था तो इसलिए भी जागना था। मुझे लग रहा था अगर मैं सो गई तो सामने का मैं जो दृश्य आएगा उसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो जितना हो सकता था वो थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में कर ले रही थी। तो ये यहाँ पर इतनी धुंध थी और ये आगे बढ़ती चली गई थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। फिर बाद में काफ़ी साफ़ हो गया था जब चंडीगढ़ आया है ना, चंडीगढ़ तक तो काफ़ी धुंध थी, फिर उसके ऊपर जब पहाड़ आ गया था तो पहाड़ी वाले रास्ते पर ये साफ़ होना शुरू हो गया था। लेकिन बड़ी हैरानी हो रही थी मुझे कि इसमें इतनी धुंध में, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी वाली बस है, पर आप देखो ये जो कंडक्टर है ना इसके बस के और ड्राइवर, ये लोग दोनों ही शीशे को कपड़े से साफ़ कर रहे थे, मतलब कि ताकि हमें सामने का रास्ता क्लियर दिख पाए, चलाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता था कि इन बसों में ऐसा ही कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है जो सामने वाली धुंध को शीशे पर जमने से रोक दे, और जो धुंध आती है जमती जाती है वो इन्हें खुद ही साफ़ करनी पड़ती है चलती हुई बस में। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है ये चीज़ें कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पर कुछ गाड़ियों में आप देखोगे ना जो फोर व्हीलर आती हैं तो उसमें साफ़ करने का होता है, जैसे जो SUV आ रही हैं आजकल, कार आ रही हैं, पर इतनी बड़ी वॉल्वो में वो फैसिलिटी नहीं थी, मतलब कोहरे को साफ़ करने वाली। अब आप देखो कोहरा कितना ज़्यादा है, और ऐसे में जब गाड़ी चलती ना तो खुद को भी डर लगता है, जब हम लोग बैठे होते हैं ना, चलाने वाले को तो आइडिया होता है कि कैसे जानी है कैसे चलेगी। और ये देखिए यहाँ सुबह का है, ये शिमला दिखना शुरू हो गया है सामने से, जो पहाड़ पर दिख रहा है चमकती हुई लाइट्स, तो इसका हम लोग दीदार कर रहे थे अपनी बस में बैठकर। और बस पहुंच गई है तो नीचे से सभी का ये सामान जो बैग भरे होते हैं, वॉल्वो के नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस होता है उसमें बैग भर दिए जाते हैं, तो हमारा भी सामान बस निकाला जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर अब करेंगे अपनी टैक्सी का इंतज़ार। तो टैक्सी वाले से तो रास्ते से ही बात कर ली थी बेटे ने, और हम लोग तब तक पी लेते हैं यहाँ पर चाय वगैरह। तो चाय मिल रही है लेकिन सीन बहुत अच्छा लग रहा है, कई सारे स्टॉल हैं, काफ़ी बड़ा है यहाँ का भी ISPT। तो पहली बार यहाँ पर आए हैं, और यहाँ के ये जो वन फॉरेस्ट है, सारे जंगल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब जब बर्फ़ गिर जाती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चाय पियेंगे, अभी बहुत ठंडा है।
साथ। वो बैग जब करते हैं ना, टैक्सी मिल गई है और टैक्सी से अंदर ही जा रहे हैं। आ जाएगी ना गाड़ी होटल की तरफ। अच्छा, तो हम लोग हैं अभी टैक्सी में और होटल की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह है ये। ड्राइवर जो है पीछे वाले रास्ते से भी पूछ रहा, कई रास्ते हैं ना होटल पहुंचने के, तो गली गली ले जाएगा शायद एक ऐसी गली से। सुबह में उधर पे पुलिस वालों की रोक नहीं होती, वरना शिमला में एक नई चीज़ होती है कि हर जगह टैक्सी आपको बिल्कुल होटल के दरवाजे तक नहीं जाती, जैसे हमारे प्लेन के होटल्स में बिल्कुल सामने तक आपको छोड़ती है और लेती है ना, उस तरह से ये बड़ी बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ये हमें कहीं दूर ही ड्रॉप करेंगे, उसके बाद होटल से कोई लड़का आकर हमारा सामान उठाकर ले जाएगा। तो अलग अलग रास्ते हैं आपके होटल पहुँचने के, और सुबह में जिस रास्ते पर पुलिस नहीं होती है वैसे रोक लगी होती है कि गाड़ियाँ वाहन वगैरह उस तरफ नहीं जा सकते, तो ये शायद कोशिश कर रहे हैं उस तरफ से ही गाड़ी ले जाने की, ताकि नज़दीक से नज़दीक हमें होटल तक पहुंचा सके। और देखिए नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं भाई, मुझे तो बड़े अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल जब तक गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि कोई तकलीफ कष्ट जैसी कोई बात नहीं आई है। सीधा घर से निकले हैं, वॉल्वो में बैठे हैं, और वॉल्वो से जैसे ही उतरे हैं तो हम लोगों को टैक्सी आ गई थी लेने, तो टैक्सी से हम लोग होटल की तरफ चल दिए हैं। तो जब तक आपको गाड़ी का सहारा मिलता रहता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, और पैदल चलना तो प्लेन वालों के लिए वैसे भी मुश्किल है पहाड़ी इलाकों में। तो इतनी दूर भले ही 5 किलोमीटर हो या 6 किलोमीटर हो, पैदल कोई भी नहीं जा सकता किसी अपने होटल तक, क्योंकि बहुत यहाँ पर खड़ी चढ़ाई और दूर दूर तक इस तरह के रास्ते दिख रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है ना? हाँ जी। वो किस साइड पड़ता है? वो उधर दूसरी साइड पे। अच्छा अच्छा। तो आप देखते जाइए ये हमारे साथ साथ, मतलब रोड पर तो आगे जा रहे हैं पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना एकदम से तंग गलियां होती जा रही हैं, मतलब कि बहुत कम कम स्पेस में ही रोड बने हुए हैं, और पार्किंग मतलब बहुत लिमिटेड लग रही है देखकर। जो भी गाड़ी खड़ी हुई है बहुत कम स्पेस लेकर खड़ी की गई है, मतलब एक्सपर्ट होना पड़ेगा लोगों को यहाँ पर अगर गाड़ी पार्क करनी है, इस तरह लग रहा है देखकर। और कुछ जगह तो बिल्कुल जो पार्किंग लोहे की होती है ना पूरा शेड डालकर, तो लोहे की पार्किंग बनाई गई है। और ये गली बहुत तंग थी जिसमें गाड़ी जा रही है हमारी, आप देखो ये पे यहाँ दुकानें भी हैं, पूरा मार्केट, और बिल्कुल पतली तंग गली है। बस ये है कि हाँ हर गली से बहुत खूबसूरत सा आपको हर तरफ व्यू मिलता है देखने का, पहाड़ों पर जो कलरफुल मकान मिलते हैं और पहाड़ है, और सुबह सुबह की तो लाइट देखने लायक होती है जो सूरज निकलता है ना। और ये देखिए पार्किंग, ये सब लोहे का बना हुआ है, जितनी भी पार्किंग है इसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पूरा ये लोहे का ही बनाया गया, जिसके ऊपर पिलर हैं और पिलर के ऊपर खड़ा कर दी है गाड़ी को। सुबह का फोटो तो अभी हम होटल पर तैयार है सामान। तो हम लोग अब शिमला प्रॉपर पहुँच चुके हैं, और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे व्लॉग देखते रहिए। मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। गनीमत है लिफ्ट मिल गई, और लिफ्ट से हम जा रहे हैं 5th फ्लोर पे, क्योंकि हमारा रूम 5th फ्लोर पर सेट कर दिया है। फ्लोर और हमने सूटकेस नीचे छोड़े, सूटकेस लेकर दोनों लड़का आएगा।
हम दोनों सिर्फ ये छोटे वाले बैग लेकर पहुंच रहे हैं। नीचे देखा वहाँ पे खाना बन रहा था लजीज रेस्टोरेंट का। ये व्यू मुझे ये वाओ ये मॉर्निंग अपने कैमरे में ले फटाफट वो हो जाएगा दो मिनट बाद हो जाएगा। सुबह की मॉर्निंग की लाइट अच्छी लग रही है ना। स्नो दिख रही है यहाँ से दूर पहाड़ों में। ये है यहाँ का जरा यहाँ से फाइनली हम लोग होटल के टॉप पर पहुँच गए हैं 5th फ्लोर पर और वहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत दिख रहा था तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बाकी रहने पर कैसा फील होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा लेकिन मुझे ये बड़े बड़े ग्लास पूरे विंडो पर लगे हुए हैं। इसके बाहर जो क्लाउड दिख रहा है क्लाउड तो नहीं है इस वक्त क्लियर है माउंटेन दिख रहे हैं और माउंटेन बहुत दूर किन्नौर के इन्होंने बताया जो बर्फ़ दिख रही है वो किन्नौर है यहाँ से काफ़ी दूर है और खूबसूरत है। और बेटा यहाँ पर रिसेप्शन पर बाकी और कुछ जानकारियाँ ले रहा है शायद तो मैंने उसका ही वीडियो बना लिया है। तो बस वही रिक्वेस्ट है आप लोग अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए। मैं अपने जैसे ही वीडियो कवर करती हूँ कहीं से बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं साथ साथ सीखती भी जा रही हूँ। व्लॉगिंग का शौक़ है तो कब किस दिन एक्सपर्टीज कहलाऊँगी मालूम नहीं पर व्लॉग बनाने की जो चाहत है वो कंटिन्यू है मेरी अभी तो देखते हैं। अभी शिमला में अभी हमारा बस आना हुआ है और फर्स्ट डे है तो आगे हमें बर्फ़ मिलती है या नहीं यहाँ पर न्यू ईयर हमारा कैसा होता है वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना भी रिकॉर्ड कर सकूँगी मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या देखा है कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये पहले दिन का व्लॉग है जिसे मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और घर के व्लॉग जो हैं वो तो आप लोगों के साथ कहानी शेयर करी हुई है मैंने कि स्ट्रगल का टाइम है और घर में जैसा भी होता है वो सब आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ। तो इसके बाद मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में तब तक आप आनंद लीजिए मेरे इस शिमला वाले माउंटेन के व्यू का। तो सुबह हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट रुके हुए हैं होटल में उनका यहाँ पर ब्रेकफास्ट सुबह सुबह का रहता है तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट नहीं है पर मैंने अभी बात की है तो क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है और कहाँ जाएंगे हम अभी नाश्ता करने के लिए एकदम सुबह सुबह हमारी बस ने 6:30 बजे ही पहुँचा दिया था तो बस हमने इजाज़त ली और यहाँ पर नाश्ता करने बैठ गए हैं कि ब्रेकफास्ट तो कर लिया जाए ठंड में भूख भी ज़्यादा ही लगती है तो इनके यहाँ पर छोले भटूरे आलू पराठा बॉयल्ड एग जैम ब्रेड अचार दही चाय काफ़ी कुछ था। तो सुबह सुबह चाय तो वैसे स्टेशन पर हम लोग पीकर आए थे पर यहाँ आकर मैंने 3-4 कप और ले ली चाय एक के बाद एक अनलिमिटेड थी और रूफ़ ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ग्लास का जो ऊपर डाला गया है इस तरीके से पूरा व्यू ऊपर से दिखता है पीछे पूरे पहाड़ हैं शिमला दिखेगा आपको और अंदर आप एंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को देखते हुए नाश्ता करते हुए टेबल पे। तो हम लोगों को जितने दिन रुकना होगा इस खूबसूरत सी जगह को देखने के लिए हम यहीं पर ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे और इस व्यू का आनंद लेंगे बर्फ़ पड़ी तब भी और नहीं पड़ी तब भी। तो नाश्ता काफ़ी टेस्टी है अच्छा लग रहा है भटूरे अच्छे बढ़िया सॉफ्ट हैं भटूरे हैं चाय है। तो आज वाला जो नाश्ता है वो होटल की तरफ से नहीं है हमारा तो हमारे जो बिल बनेंगे उसमें ही मतलब शामिल कर दिया जाएगा आज का बिल और 150 रुपये पर पर्सन नाश्ता था ये।
पर अनलिमिटेड था, आप जितना चाहे चाय पिए, जितना चाहे आप इसमें से लेकर खा सकते हैं। तो तगड़ी भूख है, तो हमारा विचार यही चल रहा है कि सामान खाना खा लेते हैं, सामान रख देते हैं, रूम अभी हमारा तैयार हो रहा है और उसके बाद हम घूमने के लिए कहीं निकलते हैं। आज है ना खूबसूरत व्यू, तो मैं बीच बीच में ये दिखा रही हूँ। और जो टूरिस्ट आ रखे हैं हमारे होटल में रुके हुए हैं, मतलब उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ के तो गोद में बच्चे हैं, कुछ नए शादीशुदा जोड़े भी थे। तो हर किसी को नए साल पर शिमला आने का एक ख्वाब होता है।